साहस सरोकार। गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड, कहा नोट पर गांधी के साथ लगे लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर। अब खड़गे के हाथ कांग्रेस की कमान, अध्यक्ष के तौर पर पहले भाषण में कहा हम मिलकर लड़ेंगे। राजस्थान में दिवाली पर गहलोत सरकार का बेटियों को तोहफा, फ्री में होगी 12वीं तक की पढ़ाई। बुलंदशहर में पराली जलाने पर सख्त हुए डीएम, उप कृषि निदेश और जिला कृषि अधिकारी को दिए नोटिस। साल 2024 की मकर संक्रांति पर भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर, निर्माण कार्य 50% पूरा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर, रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने एक बार फिर प्लेटफॉर्म टिकट की दरें महंगी कर दी हैं। 30 रुपए से 50 रुपए की नई दरें आज से लागू होंगी और 6 नवंबर तक रहेंगी। वहीं टिकट के दाम बढ़ने को लेकर परिजनों को स्टेशन छोड़ने आए लोगों ने विरोध भी किया, साथ ही टिकट देने वाले वेंडर से लोगों की बहस भी हो गई। बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट की दरें बढ़ा दी गई हैं, जिसको लेकर लोगों ने विरोध भी किया। बता दें कि जहां पहले 10 रुपए टिकट की दरें, प्लेटफॉर्म टिकट की दरें थी, जिसे बढ़ाकर 20 किया गया, अब बता दें डायरेक्ट 50 रुपए महंगी कर दी गई है टिकट की दरें। बता दें कि ये महंगी जो दरें बढ़ाई गई हैं ये 6 नवंबर तक लागू रहेंगी। बता दें कि शहर के 13 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के टिकट के दरें बढ़ाई गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, प्लेटफॉर्म टिकट की दरें जहां 10 रुपए थी उसे बढ़ाकर 30 किया गया, अब डायरेक्ट 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश रेलवे मंडल प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से जो प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम होते हैं उसमें इजाफा किया गया। आपको बताया कि 30 रुपए से 50 रुपए का इजाफा किया गया है, 20 रुपए का पूरा इजाफा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये जो नई दरें आज से बढ़ाई गई हैं ये बुधवार से लागू होगा और 6 नवम्बर तक रहेगा। और रेलवे प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि टिकटों के जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसमें बढ़ोतरी की वजह ये है कि भीड़ नियंत्रण करने के लिए, साथ ही साथ प्लेटफॉर्मों पर अभी अगर देखें तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसके चलते पर जो भी यात्री है उनके साथ परिजनों की संख्या भारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस त्योहारों के बीच में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और साथ ही भीड़ को देखते हुए 30 रुपए से 20 रुपए का इजाफा करते हुए 50 रुपए टिकट का दाम किया गया है। 6 नवम्बर के बाद आम तौर पर अगर देखें तो 30 रुपए पे ये टिकट मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि कानपुर में 15 रुपए का इजाफा किया गया है और लखनऊ की अगर बात करें तो 20 रुपए इजाफा किया गया है। वहीं आपको बताया कि साफ तौर से जो रेलवे प्रशासन है उसका कहना है कि भीड़ के चलते और सुरक्षा की दृष्टि से चलते लोगों की संख्या कम हो सके, इसके चलते ये फैसला उठाया गया। जी विवांशु, किन किन शहरों में प्लेटफॉर्म टिकट की दरें बढ़ाई गई हैं? जी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर टिकटों के जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसके रेटों में इजाफा किया गया। अगर बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या और साथ ही साथ अकबरपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, भदोही, प्रतापगढ़, उन्नाव जैसे तमाम जगहों पर 50 रुपए किए गए हैं। वहीं लखनऊ की अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में 15 का इजाफा करते हुए 45 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट की बात कही गई है। जी जी विवांशु, अगर कोई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेता है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी जी आपको बता दें कि जीआरपी लखनऊ की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त अगर बात करें तो अत्यधिक भीड़ मिल रही है।
है स्टेशनों के अंदर में, तो जो भी यात्री हैं उनकी भी टिकटों का चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जो लोग अपने परिजनों को छोड़ने आते हैं, ड्रॉप करने आते हैं, तो इस मामले में उनके भी प्लेटफॉर्म टिकट देखे जा रहे हैं। और किसी के पास अगर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं रह रहा है इस बीच, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो भीड़ के चलते, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाइयां भी की जा रही है और जुर्माना भी उन्हें देना पड़ रहा है। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। खबर रायबरेली के मिलेरिया थाना क्षेत्र के दुसौती गांव से है, जहां मंगलवार को हर्ष फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में युवक राइफल लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। खबर औरैया से है, जहां बेखौफ दबंग अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक दिख रही है। दिन दहाड़े दबंगों ने बाइक पर सवार होकर घर में घुसकर फायरिंग की और अवैध असलहे लहराते हुए गाली गलौज करते हुए फरार हो गए। बता दें इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पातेपुर के सचिन सिंह ने लिखित तहरीर कोतवाली थाना पर दी है कि उसके गांव के रहने वाले एक राजदीप है और उसके अन्य पांच साथी आज शाम को उसके घर पे आए और पूर्व में हुई बात को लेकर के उसके साथ मारपीट किए और तमंचा लहराते हुए हवा में फायरिंग किए हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, टीमों का गठन कर गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया है। शीघ्र ही इन लोगों की गिरफ्तारी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और प्रकरण में सत्यता के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या के मंदिर में फिर सीएम योगी की पूजा शुरू हुई, जहां मूर्ति की जगह अब मंदिर की दीवार पर योगी की तस्वीर बनाई गई है, जिसकी सीएम योगी के भक्त प्रभाकर मौर्य ने पूजा की। यह मंदिर थाना पूरा कलंदर के कल्याण भदरसा मजरे मौर्य के पूर्वा में बना हुआ है। बता दें मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ है। पैमाइश करने के बाद भी मंदिर को नहीं गिराया गया। पूर्व में जिला प्रशासन ने सीएम योगी की मूर्ति हटवाई थी, अब फिर से पूजा शुरू हुई है। हरदोई में रास्ते के विवाद में दो पक्षों ने जमकर मारपीट की, जिसमें लाठी डंडों से मारपीट में पांच लोग घायल हो गए और मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं परिजनों ने घायलों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीओ सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि खुरगुजा के यादव परिवार में आपसी रंजिश चल रही थी। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जगह थी पीछे, तो उन्होंने कहा पीछे से ना निकलो, फिर ये घर पे आए, मैंने कहा मतलब रास्ता है निकलेंगे, फिर वो नशा में था, मतलब वो सुधीर यादव मतलब शंभू यादव का लड़का है, तो पहले उसने मतलब शराब नशे मारपीट की, उसके फिर चारों भाई दीपू यादव और छोटू और मोहित यादव, फिर शंभू यादव भी आ गए, फिर एक बोधिल यादव है उनका लड़का है दीपू यादव, ये सब लोग मिलकर घर में घुसके मेरी दो बहनों को मतलब पापा को मम्मी को लाठों डंडों से मारा है और रोड पर भी मारा है। सारे वीडियो मैंने बना चुके हैं, वीडियो रखे भी हैं फोन में, बाकी मैं देख लीजिए। कन्नौज के चिरैयागंज मोहल्ले में दो समुदाय के लोगों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि वहां कुल्हाड़ी और सरिया निकल आए और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। वहीं इस घटना से एक पक्ष के दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी फोर्स के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। खबर बछरावा थाना क्षेत्र के हसनपुर से है, जहां दो भाइयों में आपस में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर बाट से हमला कर दिया और हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि गोपी बड़ा भाई और महराज दीन छोटा भाई है। आए दिन दोनों में कहासुनी होती रहती थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गोपी बनिया है, दो भाई थे, ये बड़े भाई थे, छोटा भाई एक महाराजदीन था। तो आए दिन ये गोपी को परेशान किया करता, आए दिन झगड़ा झगड़ा लड़ाई हुआ करती थी। तो कई बार पुलिस को इन लोगों ने सूचना भी दिया था कि ये इस टाइप का आदमी है और इसको ले जाइए, तो पुलिस वहाँ ले जाती थी, चौकी पर वहाँ के छोड़ देती थी। ये पूरा परिवार इनका बहुत परेशान था। आज सुबह किसी बात को लेकर के घर आया और यहाँ कुछ अपना बात हुई, सुबह सुबह यहाँ मोहल्ले में कोई थे नहीं, लोग यहाँ किसान विसानी का मामला रहता, लोग चले गए खेतों चले गए। ये आया किसी ने हत्या करते हुए तो देखा नहीं, लेकिन ये पता जब लोग देखे नहीं आया तो निकला कि ये मार के निकल रहा था, देखा तो यहाँ ब्लड और काफ़ी निकला था। रायबरेली के रहने वाले फौजी के बॉर्डर से वारदात हुए वीडियो मामले में नया मोड़ आया है और पुलिस और प्रशासन की जांच में फौजी का वीडियो दबाव बनाने वाला साबित हुआ है। जांच में सामने आया है कि आबादी की जमीन पर ग्राम प्रधान खे का मैदान बना रहे थे, उसी जमीन पर संजय पासी ने बिल्डिंग मटेरियल डाल रखा था। इसी को लेकर संजय पासी और फौजी के बीच भी विवाद हुआ था, जिसे लेकर संजय पासी ने सिविल सूट फाइल किया था। बता दें कि वीडियो वायरल होते ही जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ही फौजी का वीडियो दबाव बनाने वाला साबित हुआ। इसमें जातीय दुश्मनी नहीं है, वास्तव में एक आबादी का नंबर है जो मौके पर काफ़ी बड़ा नंबर है और मौके पर खाली है। प्रधान जी ने गांव सभा से प्रस्ताव करके वहां पर खेल का मैदान बना रहे हैं, मौके पर आपने देखा भी होगा है हमारे साथ आप देखे कि वहां पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। पहले ये संजय पासी वगैरह वहीं पर घूरा वगैरह लगाते थे, जिनके घूरे वगैरह को हटा दिया गया था, तो उसी से ये क्षुब्ध होकर के इन्होंने ऋषि मौर्य, खुशी मौर्य, राम आधार मौर्य और ठाकुर दीन मौर्य, जिसमें प्रधान जी को इन्होंने जो है पक्षकार बनाते हुए ये मुकदमा सिविल कोर्ट में दाखिल कर दिया है। तो ये जो चूँकि उसने फौजी का परिवार उस मुकदमे में है, तो मेरी जो है ठाकुर दीन मौर्य जो कि फौजी के पिताजी हैं और फौजी से भी टेलीफोन पर वार्ता हुई, ये लोग उसी मुकदमा जो इनके ऊपर हो गया है, ये जो मुकदमा जो दायर किया है संजय पासी ने सिविल कोर्ट में, उसी से खेल थे। मैं ऋषि राम मौर्य, भारतीय थल सेना, जैसलमेर बॉर्डर, राजस्थान, भारतीय थल सेना। हैप्पी दिवाली आप लोगों को बड़े ही गौरव के साथ कहता हूँ कि हैप्पी दिवाली। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ, लेकिन आज आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं ग्राम पोस्ट घुरवारा, विकासखंड डलमऊ, तहसील डलमऊ, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और आज मेरे घर में दबंगों ने संजय कुमार पासी और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो दबंग गुंडे हैं घुरवारा डलमऊ के, उन्होंने हमारे परिवार पे हमला बोला। हमारे परिवार में कुछ नहीं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और मेरी एक बेटी 6 महीने की है, उस बेटी को छोड़कर मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ इस देश के लिए। आज मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। रहने वाले हैं घुरवारा। अच्छा, ऋषि मौर्य कौन है आपकी? हमारे लड़के। उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है, क्या है पूरा मामला? मामला था कि यहाँ एक पासी था और एक ग्राउंड है बच्चों का, उसमें हम सफाई करवा रहे थे, उसी में जाकर के उसने झगड़ा किया, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा था, जबकि हमारा कुछ नहीं था, हमारा तो केवल सफाई बच्चों के लिए करवा रहे थे। लेकिन उसे मैंने मांगा कि लाइए तेरे पास क्या लिखा भाई थे, तो कहीं तेरी औकात क्या है, वो गाली दे दिया उसने, बात इसी में बढ़ गई हमारी उसकी। तो ये कैसे, प्रशासन से अभी तक इसकी शिकायत की थी आपने? हाँ, शिकायत की थी, चाहे बलुआ हुआ गया, लेकिन उस पर उसने मुकदमा डाल दिया है मेरे ऊपर। कौन डाल दिया? संजय ने। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा ही अपनी कार्यशैली को लेकर लोगों के निशाने पर रहती है, लेकिन इन सब के बीच जनपद रामपुर सहजाद नगर थाना पुलिस एवं क्षेत्र अधिकारी ने इंसानियत की जबरदस्त मिसाल पेश करते हुए बेसहारा महिलाओं के घर पर जाकर उनके साथ दिवाली मनाई है और उपहार भेंट किए, तो वहीं महिलाओं को एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ, जिसका उन्होंने मीडिया के कैमरे पर इजहार भी किया है। और ये एसबी आया,
और एक जन कौन आया नाम भूल गया, सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, हाँ मिस्टर कोतवाल साहब आए। क्या दिया आपको? तो क्या क्या दे के गए? कपड़ा दे गई और मीठा डिब्बा दे गई, केला दे गई, मोमबत्ती दे गई। अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरीके से एक चर्चा हो रही है कि पुलिस आपके घर आई जिसमें इंस्पेक्टर साहब थे और सीओ साहब थे और अन्य पुलिस वाले भी थे, उन्होंने आपको दीपावली पर शायद गिफ्ट किया है, तो क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे? कपड़े हैं उसमें और वो मीठे का डिब्बा है, केला है और दिए हैं और मोमबत्ती है। तो क्या हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अगर पुलिस वाले नहीं देते तो आपको दीपावली मनती? क्यों मनती? हाँ मऊ वाली बात नहीं होती है। हाँ ये है कि सब लोग आए तो और खुशी हुई। तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमेशा उंगली उठती रही है, लेकिन अब योगी सरकार में जो है पुलिस ने एक तरीके से अपना रवैया बिल्कुल बदल दिया है और ये बहुत खुशी की बात है कि एसओ सजाद नगर शरद पवार और क्षेत्राधिकारी कैमरी दोनों ने मिलकर गरीबों के बीच में जाकर दिवाली मनाने का काम किया है, उन्हें गिफ्ट देने का काम किया, ये वो बधाई के पात्र हैं और ऐसा होना चाहिए। कन्नौज के चिरैयागंज मोहल्ले में दो समुदाय के लोगों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि वहां कुल्हाड़ी और सरिया निकल आए और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। वहीं इस घटना में एक पक्ष के दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ एसपी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने में जुट गए। हम दीपावली मिलने गए थे, उसी ने फैजी और उसके साथ में सद्दाम और कुल तेरे जवान वगैरह कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 लोग थे। तो जैसे हम लोग निकल के आए और पिछली बातों को लेकर या कोई भी मतलब मन में अटना था उनके, उन लोगों ने जो है फैजी और एक लड़के ने जो है मेरे सर पे जो है मार दिया। चित्रांशु किस बात को लेकर मारपीट हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग गए थे अपने मित्र के यहाँ दीपू के यहाँ, दिवाली के लिए त्यौहार था, त्यौहार की वजह से मिलने गए थे, ठीक है, और उनके घर के बाहर से हम निकले, वो लोग 10-12-15 लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया। मारपीट में दो युवक बुरी तरह घायल हो गए। बता दें कि दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें लाठी डंडे समेत पत्थरबाजी हुई। मारपीट के में दो युवक बुरी तरह से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुल्तानपुर के पास देर रात श्रमजीवी एक्सप्रेस में बदमाशों ने मुख्तार अंसारी विधायक भतीजे मन्नू अंसारी के गरन पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने गनर की जमकर पिटाई की और फिर कार्बाइन छीन कर ट्रेन से फरार हो गए। राजकीय रेलवे पुलिस नगर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई, लेकिन घटना को करीब 12 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक बदमाशों का पता नहीं लगा पाई है। बता दें कि घटना को 12 घंटे बीत गए हैं लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी के गनर पर हमला बोला गया है। वो
वहीं घटना को 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, विधायक मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी के गनर पर हमला बोला गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दें ये बीते शाम को जो है कल की घटना है, इसमें लगातार जिस तरह वारदात आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन को बड़ी चुनौती भी मिल रही है। जी बिल्कुल, आपको हम सबसे पहले इसके आगे हम बता रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री द्वारा जो है बड़े माफियाओं को जो है अंदर की जा रही है, वही दूसरी तरफ बड़ी से बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक भी लापरवाही इस पर मानी जा सकती है, जिस तरह चाहे रेलवे पे हो, चाहे नाबालिग पे हो, चाहे जिस तरीके भी वो क्राइम हो, वो क्राइम जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें जो है प्रशासन को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। आशुतोष, क्या वजह सामने निकल कर आई है कि बदमाशों द्वारा गनर पर हमला किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं अभी कोई इसका खुलासा नहीं हो पाया ढंग से, और जिस तरह जो है प्रशासन द्वारा जो है खलबली का एक माहौल मच गया है। खलबली को लेकर आज रेलवे के जो है डीआईजी वहां सुल्तानपुर पहुंचे थे, छानबीन किया, उन्होंने बताया ये साफ स्तर पे। हम गाजीपुर के भी प्रशासन की मदद लेकर जो है इसकी जो है हम प्रमुखता से जो है जांच करने के बाद जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। जी आशुतोष, अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई है? घटना को 12 घंटे बीत चुके हैं। जी बिल्कुल, बता रहे हैं घटना को 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहां से कैसे चूक हो रही है, ये प्रशासनिक का ही जो है तय करना ही जरूरी है। अगर इस पर जो है कोई अगर खुलासा नहीं हो पाएगा या कोई चीज आगे प्रशासनिक कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं जो है इस पर बड़ी संज्ञान कोई ना कोई ले सकता है। आशुतोष, क्या इससे पहले भी कोई घटना घट चुकी है? जी तमाम ऐसी घटना और भी वारदात सामने आती रहती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताया आपको प्रशासनिक को लगातार एक बड़ी चुनौती मिल रही है, जिससे प्रशासनिक को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। अगर प्रशासनिक कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या त्योहार आते हैं या उस तरीके भी कोई अगर चुनावी माहौल होते हैं भी, उसमें जो है अपनी फोर्स लेकर निकल जाते हैं और इसको संकेत देते हुए बताते हैं कोई अपराध नहीं बढ़ने पाए या जो है मर्डर ना हो पाए, कुछ भी लूट ना हो पाए, इस चीज को लेकर जो है प्रशासनिक जो है तैयारी बनी रहती है। लेकिन ये कहाँ ये मिस्टेक हो रहा है, किस तरह की जो है लापरवाही हो रही है, ये प्रशासन को जरूर संज्ञान लेना चाहिए इस बात को लेकर। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।